हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मिलोनीस कुकिंग। आज की हमारी जो रेसिपी है वो वेरी लाइट एंड क्रंची कैंडी है जो बनी है सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स से, वो है शुगर और सोडा। सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून शुगर लेंगे। अब हम गैस को चालू करेंगे और एकदम लो फ्लेम पे रखेंगे। फास्ट फ्लेम पे रखा तो फिर वो जल जाएगा, आपका जो शुगर है वो मेल्ट होके जल जाएगा और टेस्ट एकदम बिटर आएगा, कड़वा टेस्ट आएगा इसके लिए। उसके बाद हम अपने काउंटर पे ऑयल लगाएंगे। काउंटर पे या फिर कोई भी स्टील की थाली हो, प्लेट हो, जो भी है उस पे ऑयल लगाना है। मैंने अपना गैस का फ्लेम एकदम स्लो पे ही रखा है और देखिए थोड़ी थोड़ी शक्कर मेल्ट होने लगी है। यह मेल्ट होने आई है, बस थोड़ी देर में हो जाएगी। जैसे कि ये हमारी शक्कर मेल्ट हो चुकी है, हम डायरेक्ट गैस बंद कर लेंगे। गैस बंद करना है, उसके बाद हमें पिंच सोडा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ पिंच सोडा डालना है और कंटिन्यूसली हिलाना है इसको। आप देख सकते हैं इसका कलर लाइट हो गया है। ओके, अभी ये मिक्स हो गया है तो हमने जहाँ पे काउंटर पे ऑयल डाला था वहाँ हम इसको स्प्रेड करेंगे। ये मेरे पास कुकी कटर है, इसमें भी मैंने ऑयल अप्लाई कर दिया है। अब हम इसमें मार्क करने के लिए रखेंगे, ऐसे रखना है और फिर उठा लेना है। अब हम इसमें ये अपनी स्ट्रॉ लगाएंगे ताकि कैंडी इफेक्ट आए। एंड हमारी कैंडी इज रेडी है, ये देखिए। अब मैं एक आपको कट करके दिखाती हूँ।